ओके गाइस वेलकम चैनल में सिंगर दिस इज चडवी सी। सो आज पहले अपन ठीक डेली एनालिसिस करेंगे कुछ स्टॉक्स के जो इंट्राडे पर्पस से स्विंग पर्पस से। तो अपनी क्या बताते हैं, मार्केट थोड़ा सा या तो अपने लेवल्स के ऊपर निकलेगा ऑलमोस्ट 1860 के ऊपर तब बाय करें, या फिर मार्केट थोड़ा सा नीचे आए ऑलमोस्ट 18220 के नीचे थोड़ा सा गैप डाउन खुले, या फिर थोड़ा सा नीचे आके फिर से जब ये लेवल क्रॉस कर रहा होगा 18220 के ऊपर तब अपन बाई कर सकते हो। टारगेट अपने 18260, 18290 और 18340 तक के हो सकते हैं। ये अपनी क्लियर बात हुई थी इसी तरीके से। मार्केट पहले टिक में ही नीचे आया, उसको 18220 के ऊपर क्रॉस किया एंड देन फिर एक रीटेस्ट भी किया एंड देन फिर एक अच्छा मोमेंटम, थोड़ा सा धीरे धीरे मोमेंटम किया लेकिन मार्केट ऊपर ऑलमोस्ट 18340 ऑलमोस्ट 18330-35 तक का शायद मार्केट ने हाई लगाया ऑलमोस्ट, और अपने लेवल 18340 के थे। तो काफ़ी अच्छे तरीके से मार्केट ने आप उनको बाइंग की अपॉर्चुनिटी दिया। थोड़ा सा केओस था, थोड़ा सा 2000 का नोट बंद हो गया तो उसके पीछे थोड़ा सा केओस मचा हुआ था, बट अपन ने बात की थी क्लियर अगर मार्केट 18050 के नीचे सस्टेन करेगा तब तो अपन सोचेंगे कुछ भी मार्केट में पैनिक सेलिंग आ सकती है। उससे पहले अपन को ज़्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं है, लेवल्स बता देंगे मार्केट में क्या पैनिक है या नहीं। मार्केट ऑलमोस्ट गैप अप खुला और आराम से अपने लेवल्स के ऊपर सस्टेन किया था, अपन को बाइंग की अच्छी छोटी मार्केट ने दी। सो अभी डायरेक्टली कल के लिए चलते हैं। तो कल देखो अगर मार्केट 18340 के ऊपर 5 मिनट सस्टेन करता है, 18340 के ऊपर 5 मिनट सस्टेन करता है, देन इमीडिएटली अपने टारगेट 18390 से 18390 और 18440 तक के टारगेट अपने ओपन हो जाएंगे फॉर द इंट्राडे पर्पज 18390 और 18440 के। लेकिन इन केस मार्केट ऑलमोस्ट यही खुलता है, फ्लैट खुलता है और यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाता है, पहली कैंडल या ऑलमोस्ट 5 मिनट चार्ट पे 18340 के नीचे नीचे, या फिर मार्केट गया और एकदम से नीचे आके इस तरीके से कोई कैंडल बना दिया 18340 के नीचे, तो फिर यहाँ पर अपन सेल की ट्रेड भी एक बन सकती है। यहाँ पर अपन SL डाल देंगे, SL यहाँ पर डाल देंगे और इसके नीचे अपन सेल की ट्रेड भी बना सकते हैं अगर मार्केट इसके नीचे सस्टेन करता है। इसके ऊपर सस्टेन करता है तो अपनी बाई है, लेकिन 18340 के आसपास अपन को 5 मिनट पर कोई रेड कैंडल मिलती है पहले 5-10 मिनट में और यहाँ पर उसके नीचे मार्केट क्रॉस करता है तो अपन इमीडिएटली सेल कर सकते हैं, और टारगेट अपने ऑलमोस्ट 18220 तक के होने चाहिए फॉर द डाउन साइड, 18220-30 तक के टारगेट अपने इमीडिएटली हो सकते हैं। ओके, अदरवाइज मार्केट फ्लैट खुल के 18240 से 18230 के नीचे आता है, फ्लैट खुल के मार्केट या 18240 से लेके या 18230 के नीचे सस्टेन करता है 5 मिनट, देन अपन फिर से सेल कर सकते हैं और टारगेट अपने हो सकते हैं 18160 एंड 18100 तक के टारगेट हो सकते हैं। लास्ट टारगेट अपना 18060 का हो सकता है। ओके, सो या तो अपने लेवल्स के नीचे 18240 से 18230 के नीचे 5 मिनट कैंडल क्लोज करता है, उसके नीचे निकलता है, देन अपन सेल कर सकते हैं 18160, 18100, 18060 तक के टारगेट अपने हो सकते हैं, या फिर डायरेक्टली मार्केट थोड़ा सा इसी के आसपास खुले 18340 के आसपास खुले और यहाँ भी एक रेड कैंडल बनाए और इसके नीचे निकलते तब अपन सेल कर सकते हैं। अदरवाइज 18340 के ऊपर कहीं सस्टेन करेगा यहाँ पे कहीं उसके ऊपर निकलता है देन अपन बाई कर सकते हैं, टारगेट अपने होने चाहिए ऑलमोस्ट 18390 से लेकर 18440 तक के। ओके, इनकेस मार्केट गैप डाउन होता है 18220 के नीचे कहीं गैप डाउन होता है तभी भी अपन सेल कर सकते हैं, या तो 5 मिनट रेड कैंडल मिलती है अपन सेल कर सकते हैं उसके नीचे, ऐसा उस कैंडल के हाई पे डाल देंगे, या फिर मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन खुल के थोड़ा सा ऊपर जाकर रेजिस्टेंस खा के फिर नीचे आता तब भी अपन सेल कर सकते हैं। तो गैप डाउन के केस में अपन सेल कर सकते हैं, गैप अप के केस में थोड़ा सा वेट करेंगे, 18380-390-400 के आसपास कहीं गैप अप खुलता है तो अपन थोड़ा सा वेट करेंगे, मार्केट रिट्रेस करें एंड फिर ऊपर निकले तब अपन बाई कर सकते हैं। 18340 के आसपास खुलता है अपन वेट करेंगे 5 मिनट रेड कैंडल का, उसके नीचे अगर मार्केट निकलता है तो देन अपन सेल कर सकते हैं। तो सेल अपन कर सकते हैं 18340 के आसपास, मार्केट को रेड कैंडल आता है सेल कर सकते हैं, 18340 के ऊपर ही बाई करना है अपन को। ओके, और अदरवाइज फ्लैट खोल के अपने लेवल्स के नीचे 18230 18240 के नीचे सस्टेन करता है तब भी अपन सेल कर सकते हैं, और गैप डाउन के केस में भी अगर मार्केट 18220 के नीचे कहीं गैप डाउन होता है तो अपन या तो उसके नीचे 5 मिनट रेड कैंडल मिलती है तो उसके नीचे सेल कर सकते हैं उसको क्रॉस करते, या फिर मार्केट थोड़ा बहुत ज़्यादा बड़ा गैप डाउन होता है उसको रिट्रेस करता है 18220 के लेवल तक, देन अपन सेल कर सकते हैं। सेल की अपॉर्चुनिटी मार्केट में वीकली बनी रहेगी, ऐसा कुछ नहीं कि सेल की अपॉर्चुनिटी नहीं बनी रहेगी, लेकिन 18340 को प्रसिस्टेंट करता है तो अपने लिए एक बाइंग का ट्रिगर आएगा जो कि 18390 से 18440 तक मार्केट को ले जा सकता है। ओके, सो ये तो बात रही निफ्टी के, भी डायरेक्टली चलते हैं स्टॉक्स पे। तो कल मैंने आपको IT के ऑलमोस्ट TCS इन्फी दोनों ही स्टॉक्स दिए थे और आज IT ने कमाल किया, आज IT ही चल रहा था मार्केट में। ओके, IT और अडानी दो ही स्टॉक्स चल रहे थे आज, तो IT के स्टॉक्स इसलिए मैंने आपको वीकेंड पे फोकस में डाले थे। ओके, सो अभी डालते हैं पहला स्टॉक फोकस में, तो पहला स्टॉक फिर भी IRCTC, तो IRCTC इज़ लुकिंग गुड एज ऑफ नाउ, तो इसको भी फोकस डाल लेते हैं अपन फॉर द बाइंग साइड। ओके, सो किस तरीके से रहेगा ये,
अगर कल IRCTC देखो, अगर देखो यहाँ पे इसने थोड़ा सा ऊपर गया था, यहाँ पे ऑलमोस्ट, यहाँ पे मैंने आपको पहली बार ये फोकस में डाला था अभी हाल फिलहाल में जब ये W पैटर्न बना के निकला था, उसके बाद फिर यहाँ पे इसने कंसोलिडेशन किया, धीरे धीरे नीचे गया, फिर यहाँ पे M पैटर्न बनाया और आज थोड़ा सा वॉल्यूम्स का काउंट यहाँ पर कम हो रखा था, लेकिन आज इसने एक अच्छा मूव दिया। तो कल ये 625 के ऊपर 5 से 15 मिनट सस्टेन करता है, 5 मिनट से लेकर 50 मिनट सस्टेन करता है, देन ऑलमोस्ट इसमें 5 to 6 रुपीज़ का SL डालेंगे, 5 to 6 रुपीज़ का SL और 1:2 के टारगेट के लिए फॉर द इंटरडे पर्पज बाई साइड के लिए फोकस में रख सकते हैं। 5 to 6 रुपीज़ का SL स्टिक लगाना इंपॉर्टेंट रहेगा, 625 के ऊपर अगर 5 मिनट सस्टेन करता है देन ओके। सो नेक्स्ट स्टॉक विल बी अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो हॉस्पिटल इज ऑल्सो, सो द नेक्स्ट स्टॉक विल बी अपोलो हॉस्पिटल। तो अपोलो हॉस्पिटल इज ऑल्सो लुकिंग गुड फॉर बाइंग साइड और काफ़ी अच्छा है जिसने निकाला है। सो कल भी ये फोकस में रह सकता है अगर 4630 के नीचे निकलता है, 4630 के ऊपर निकलता है अगर 4630 के ऊपर 5 मिनट से लेके 50 मिनट सस्टेन करता है, 5 से 15 मिनट सस्टेन करता है, इनको फोकस में डाल सकते हैं। SL डालेंगे ऑलमोस्ट 35 से 40 रुपये का SL, 35 से 40 रुपीज़ SL और 1:2 के टारगेट के लिए फॉर द इंटरडे पर्पस बाई साइड के लिए इसको ही फोकस में रख सकते हैं अगर ये 4630 को ऊपर सस्टेन करता है देन। अच्छा वॉल्यूम धीरे धीरे गिर रहा था, वॉल्यूम धीरे धीरे कम हो रहे थे, यहाँ पर ऑलमोस्ट हैमर टाइप कैंडल है, इसको ऊपर निकला, अभी यहाँ से भी थोड़ा सा मोमेंटम एक कर सकता है। सो अगर 4630 के ऊपर सस्टेन करता है देन एक और मोमेंटम इसे बाइंग के लिए ट्रिगर हो सकता है ओके। और नेक्स्ट स्टॉक और लास्ट स्टॉक विल बी SBI लाइफ। सो SBI लाइफ इज लुकिंग थोड़ा सा अगर नीचे की तरफ ट्रेस करता है तो इसको फोकस में डाल सकते हैं। तो किस तरीके से, अगर ये ऑलमोस्ट 1148 के नीचे है, क्योंकि अगर देखो जिस तरीके से ये ऑलमोस्ट प्राइस एक्शन थोड़ा सा नेगेटिव बना हुआ है, यहाँ पे अच्छे तरीके से ऊपर जा रहा था, फिर थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, फिर यहाँ पे साफ गिरा, यहाँ पे फिर थोड़ा सा हॉल्ट लिया, आज फिर से थोड़ा सा नेगेटिव है। अगर ये ऊपर 1160 के आसपास कहीं खुलता है इमीडिएटली इग्नोर करेंगे, इमीडिएटली इग्नोर कर देंगे। अगर ये ऊपर कहीं खुलता है 1158 1155 के ऊपर कहीं भी खुलता है इग्नोर कर देंगे, लेकिन अगर ये फ्लैट खुल के 1148 1147 के नीचे सस्टेन करने लगता है 5 से 15 मिनट, 5 मिनट कैंडल क्लोज करता है इसके नीचे 1148 1147 के नीचे, तो इमीडिएटली सेल कर सकते हैं इसको 6 to 7 रुपीज़ से लेके 8 रुपीज़ तक का SL, 6 to 7 रुपीज़ SL और 1:2 के टारगेट के लिए फॉर द एंटायर पर्पज सेल साइड के लिए फोकस में रख सकते हैं SBI लाइफ को। लेकिन अगर 1156 1157 के आसपास के खुलता है इमीडिएटली इग्नोर कर देंगे, 1148 1147 के नीचे 5 मिनट सस्टेन करते हैं 6 से 7-8 रुपये तक का SL और 1:2 के टारगेट फॉर द एंटायर पर्पज सेल साइड के लिए फोकस में रख सकते हैं फॉर द SBI लाइफ ओके। सो दैट्स इट टुडे। यहाँ पे निफ्टी अभी के लिए दोनों तरफ की ट्रेडें ओपन है, लेकिन मंथली एक्सपायरी है तो ड्रामे हुए तो थोड़े से एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा कॉशियस रहना है ऊपर के लेवल्स पे। 1140 1830 के आसपास अगर मार्केट थोड़ा सा शुरुआत में रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखता है तो अपनी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बनी रहेगी। छोटा सा SL 10 से 15 से 20 पॉइंट से ज़्यादा का SL उसमें रिक्वायर्ड नहीं रहेगा और अदरवाइज उसके ऊपर सस्टेन करता तब देन अपनी बाई की ट्रेड बनेगी 1890 से 1840 के टारगेट के लिए ओके। सो दैट्स इट टुडे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में चैनल सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, सी यू।